सेकेंड मेथड ऑफ वैल्यूइंग द शेयर्स इज यील्ड मेथड. यील्ड का मतलब होता है इधर द इनकम और द अर्निंग्स. फर्स्ट मेथड में नेट असेट मेथड और इंट्रिंसिक मेथड में हमने क्या इन्फॉर्मेशन था, वी वर हैविंग द असेट्स एंड द लायबिलिटीज, और वो बेसिस पर हम ये फाइंड आउट कर रहे थे कि कितना वैल्यू इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा और एक शेयर का प्राइस क्या होगा. इन दिस मेथड यू आर गोइंग टू टेक द अर्निंग्स एज द बेस. व्हेन आई से अर्निंग एज अ बेस मतलब यहाँ पर आप अर्निंग को कैपिटलाइज करने वाले हो. यू आर गोइंग टू टेक अ अर्निंग एज अ बेस एंड देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ शेयर. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. अगर मैं सिर्फ एज अ शेयर होल्डर इन्वेस्ट करती हूँ कोई कंपनी में तो मुझे रिटर्न्स में क्या मिलेगा, डिविडेंड. तो मतलब एज अ शेयर होल्डर मेरा हक सिर्फ डिविडेंड पर है इफ आई एम इन्वेस्टिंग. बट अगर मैं सामने कोई कंपनी को खरीद लेती हूँ कंप्लीटली एंड परचेजिंग और अक्वायरिंग इट, तो अभी वो कंपनी की पूरी अर्निंग्स पर मेरा हक हो गया. डिविडेंड तो है ही है बट उसके साथ अर्निंग्स पर भी मेरा हक हो गया पूरा. तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम अर्निंग्स को कैपिटलाइज करते हैं, मतलब अर्निंग्स को बेस रख के यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ शेयर. सो इल्ड मेथड के अंदर भी टू मेथड्स आर देयर. तो ए मेथड हम जो पढ़ने वाले वो है एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस और अर्निंग कैपेसिटी मेथड. हियर द वर्ड इज एक्सपेक्टेड. अब क्यों एक्सपेक्टेड है, सी अगर मैं आज बिजनेस खरीद रही हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि 8 months, 9 months के बाद या तो एट द ईयर एंड तक मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा. आई कैन जस्ट एस्टिमेट. क्या मैं ये बोलूँ कि मुझे एग्जैक्टली इतना ही मिलेगा, क्या एग्जैक्ट अमाउंट बता सकते हो? ऑब्वियसली नहीं. यू आर गोइंग टू गेट ओनली एंड ओनली दी एस्टिमेशन. इसके लिए हियर द वर्ड यूज इज एक्सपेक्टेड अर्निंग, कि मैं आज सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मुझे नियर फ्यूचर में कितना पैसा मिल सकता है. नाउ वेन एवर दिस यील्ड मेथड कम्स और उसके अंदर भी जब एक्सपेक्टेड अर्निंग का क्वेश्चन है तो यू हैव टू फॉलो द थ्री स्टेप्स. द थ्री स्टेप्स आर कंपल्सरी वन. द फर्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं. नाउ से फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी आज ये देखना है कि मैं ये जो भी मेरा ईयर एंड तक कितना अर्न कर सकती हूँ, उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट डेटा दिखते हैं. कि अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं 2 crore rupees तक का अर्निंग्स कर लूँगी तो मैं कौन से बेसिस पर 2 crore का अर्निंग कर लूँगी, पहले पास्ट में कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, ऑन दैट बेसिस आई एम गोइंग टू सी द फ्यूचर. तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लोगे फॉर द बेस, पास्ट प्रॉफिट लोगे, दैट ऑल्सो बिफोर टैक्स. कि फ्यूचर को मुझे देखना है तो मैं पास्ट के प्रॉफिट्स को बेस रखे. हम एस्टिमेट भी करेंगे तो अभी प्रेजेंट तक हमें ना दिखेंगे, जो पास्ट में हो चुका है उसके बेसिस पर वी आर गोइंग टू एस्टिमेट. सो पास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. Now you have to do certain adjustments. Add expenses no longer payable. ऐसे खर्चे जो अभी आपको फ्यूचर में नहीं होने वाले हैं आप उसको ऐड करो. सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मनी राइट. अब ये एक्सपेंसेस पहले हो रहे थे, अब ये मेरे नो लॉन्गर मतलब अभी होने वाले नहीं हैं. तो जब पहले हो रहे थे तो मेरे पास से पैसा जा रहा था, अब अगर ये एक्सपेंसेस नहीं होने वाले हैं तो ये पैसा मेरे पास ही रहेगा, उतना खर्चा मेरा कम हो गया. सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट एडिंग इट अप, कि अभी मेरे पास से कोई पैसा नहीं जाने वाला है, अब वो मेरे पास ही रहेगा. सो ऐड फ्यूचर इनकम. लाइक फ्यूचर में अगर कोई आपको इनकम होने वाली है, से फॉर एग्जाम्पल मुझे मैंने कोई असेट को सेल कर दिया और सेल पर मुझे प्रॉफिट मिला है, तो ये मुझे एक इनकम है जो होने वाली है. सो अगर मुझे जब इनकम होगी देयर विल बी अ इनफ्लो ऑफ द मनी. करेक्ट, इनफ्लो एड लेस इनकम नो लॉन्गर रिसीवेबल. ऐसी कोई इनकम जो अभी आपको नहीं मिलने वाली है, व्हाट आई टोल्ड यू कि अभी अगर आप परचेस कर रहे हो बिजनेस तो अभी ऐसी भी पॉसिबल है कि जो पहले होता था अब वो इनकम आपको ना भी मिले. तो अगर पहले इनकम होती थी तो हम ऐड करते, अभी इनकम नहीं होने वाली है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबट्रैक्ट. अब वो पैसा मेरे पास नहीं आएगा, सो आई विल बी सबट्रैक्टिंग इट ऑफ. नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर में होने वाले खर्चे. तो खर्चे है तो देयर इज अ आउटफ्लो ऑफ द मनी, उतना पैसा मेरा कम हो जाएगा. सो सबट्रैक्ट योर फ्यूचर एक्सपेंसेस. पास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर मैं ऐड एंड लेस करती हूँ कुछ एक्सपेंसेस एंड इनकम, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग द एडजस्टेड प्रॉफिट.
मैंने सिर्फ एडजस्ट किया एक्सपेंसेस और इनकम को एडजस्ट किया। अब ये एडजस्टेड प्रॉफिट में से इफ आई एम सबट्रैक्टिंग इनकम टैक्स आई विल बी गेटिंग द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स व्हिच विल बी आल्सो नोन एज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और अर्निंग और यू कैन से दी एवरेज अर्निंग। अब मे बी जब आप सब सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये सारे एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं या तो इनकम्स नहीं दी है तो आफ्टर फर्स्ट स्टेप डायरेक्टली फिफ्थ वाला है। अगर क्वेश्चन में आपको इसकी एडजस्टमेंट्स दी है तो यू हैव टू एड एंड लेस अकॉर्डिंगली, नहीं दिया है तो फर्स्ट स्टेप के बाद डायरेक्टली योर फिफ्थ स्टेप विल बी कमिंग डायरेक्टली आपको इनकम टैक्स माइनस करना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस इनकम टैक्स विल गिव यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो यू हैव टू जस्ट एडजस्ट दैट। नेक्स्ट, नाउ ये जो मेरा पैसा है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई नाउ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से हम पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, कुछ प्रॉफिट एज ए रिजर्व भी रखते हैं। ये प्रॉफिट में से मैंने पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड पे कर दिया। देयर इज अ इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द मनी। मुझे बताओ कि ये पैसा है इसमें से चला गया, सो इट वॉज अ आउटफ्लो, आउटफ्लो लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब कुछ पैसा एज अ प्रेफरेंस डिविडेंड चला गया, अब थोड़ा पैसा मैं एज अ रिजर्व रखती हूँ कि फ्यूचर में कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई तो मैं वो रिजर्व से पैसा यूज कर सकूँ। सो नाउ आई एम रिमूविंग द रिजर्व फ्रॉम इट। अब बोलो क्या हो रहा है, ये पैसों में से मैंने थोड़ा पैसा एज अ रिजर्व ट्रांसफर कर दिया, इट इज अ आउटफ्लो, उतना पैसा मेरा कम हो गया, सब्ट्रैक्ट ट्रांसफर टू रिजर्व। अब जो पैसा बच गया वो किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का। सो लेस ट्रांसफर टू रिजर्व प्रेफरेंस डिविडेंड, अब बचा वो एक्सपेक्टेड अर्निंग और यू कैन से प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। दिस वॉज अ फर्स्ट स्टेप वेर यू हैव जस्ट कैलकुलेटेड द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। नाउ स्टेप नंबर टू, सी अगर इल्ड मेथड का सम आया उसमें भी अगर एक्सपेक्टेड अर्निंग का, तो इट इज कंपल्सरी टू डू द थ्री स्टेप्स। सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कि मैं कितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, हाउ मच आई एम एक्सपेक्टिंग, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ERR भी बोलते हैं इसको, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ये कहाँ से मिला, स्टेप नंबर वन सी एथ पॉइंट। सो ये आपको जो न्यूमरेटर है यू गॉट इट फ्रॉम स्टेप नंबर वन, डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरे शेयर का जो भी वैल्यू है। से फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग 30,000 शेयर है, एक शेयर मेरा 10 रुपीज का है, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई शेयर की, 3 लाख रुपीज। सो यू हैव टू डिवाइड योर विद 3 लाख रुपीज, शेयर कैपिटल के साथ डिवाइड करना है। सिंस इट इज रेट ऑफ रिटर्न इट विल बी ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, सो मल्टीप्लाई बाय 100। जो आंसर आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा, परसेंटेज के फॉर्म में। सो दिस इज योर स्टेप नंबर टू वेर यू हैव कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप नंबर थ्री इज वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, हाउ यू विल गेट दिस, ERR डिवाइड बाय NRR। व्हाट वाज ERR, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। NRR इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि मार्केट में मुझे अगर इन्वेस्टमेंट इतना करूँ तो मुझे नॉर्मली कितना मिल जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो ERR डिवाइड बाय NRR इन टू वैल्यू, पेड अप वैल्यू पर शेयर। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया क्या है, अगर 30,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपीज़ का है, तो इधर पेड अप वैल्यू शेयर की पर शेयर की क्या है, 10 रुपीज़। सो आपको मल्टीप्लाई ईयर विद 10, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे शेयर कैपिटल से टू गेट द परसेंटेज, ईयर यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। सो स्टेप नंबर टू से आपको ERR मिल जाएगा, NRR विल बी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी होगा दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, इसके लिए मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा। सो अगर इल्ड मेथड आया तो यू टू कंप्लीट दिस थ्री स्टेप्स। ना यहाँ पर अगर हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि हमें ऑलमोस्ट सेम एवरी टाइम
सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, देयर इज नो ग्रोथ. इसके लिए अगर आप देखो तो हमने कहीं पर भी ग्रोथ को कंसिडर ही नहीं किया कि मेरा पैसा बढ़ेगा. वी हैव नॉट कंसिडर्ड द ग्रोथ एनीवेयर. सो बेसिकली मेथड में ये अज्यूम किया जाता है कि एवरी ईयर मुझे सेम प्रॉफिट होगा एंड देयर इज नो स्कोप फॉर द ग्रोथ. सो टेल मी व्हाट वाज द स्टेप नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट FMP, that is future maintainable profit. Step number 2 is calculation of ERR, that is expected rate of return. Basis on this first and second step, the third step will be finding out value of an share. Done?